बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़र रब्बानी, कुकिंग विद रब्बानी में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीवर्स, आज मैं आपको आसान से तरीके के साथ चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी बताऊंगा। चलें उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने दो दरमियाने साइज़ के प्याज लेके उनको मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक सा। दो मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, उसके ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया है। दो मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये दम देते वक्त मेरे काम आएंगी। एक टेबल स्पून की करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 500 ग्राम्स की करीब मैंने चिकन ले लिया है, आप इसको एक पाउंड भी कह सकते हैं, हाफ के जी भी कह सकते हैं। उसके साथ मैंने जो मसाले लिए हैं उसमें मैंने 2 टीस्पून के करीब मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून के करीब मैंने बिरयानी मसाला लिया है, 1 टीस्पून के करीब मैंने सुरख मिर्चें ली हैं, 2 चुटकी मैंने हल्दी ली है। ये जब मेरा चिकन पुलाव बनेगा तो उसमें थोड़ा सा अच्छा कलर देने के काम आ जाएगी, वैसे भी हल्दी खानी चाहिए। और उसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ ले लिया है। आप साबुत मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं जो चिकन पुलाव बना रहा हूँ उसके अंदर मैं पिसा हुआ गरम मसाला ही यूज़ करूँगा। उसके साथ मैंने 2 गिलास चावल ले लिए हैं, इनको मैंने 20 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख लिया था, पानी मैंने अब निकाल लिया है। तो चलें बिस्मिल्लाह करके अपनी कुकिंग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून जो है मैंने घी डाल के उसको मैंने गर्म कर लिया। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं घी यूज़ कर रहा हूँ। और घी अब अच्छा खासा गर्म हो गया है तो अब हम इसमें अपने कटे हुए प्याज डाल लेते हैं। प्याज डाल के इनको मैं 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं इनको घी के साथ फ्राई करूंगा ताकि इसका कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाए। व्यूअर्स, हमारे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें अपना चिकन ऐड कर लूंगा। और साथ ही आपको एक छोटी सी टिप भी देता जाऊं कि किसी किस्म के पुलाव, किसी किस्म की बिरयानी या किसी भी किस्म की चावलों की रेसिपी में आप प्लीज़ अपने जो प्याज हैं वो डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट से ब्राउन करके और उसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। इस तरह आपके पुलाव का कलर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आएगा। चिकन मैंने ऐड कर ली है, अब मैं चिकन को प्याज के साथ फ्राई करूँगा। मैंने चिकन को प्याज के साथ जो है 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है, चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। और इस स्टेज के ऊपर मैंने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ मैं इसको 2 से 3 मिनट फिर मैं इसको करूँगा ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और चिकन आपस में मिल जाए और इस तरह जो अच्छी स्मेल आएगी अदरक लहसुन की। और एक और मैं आपको टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना खाना बनाएं अदरक और लहसुन का ताज़ा पेस्ट तैयार करें। कुछ खवातीन हैं वो अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेती हैं और उसको फ्रिज में रख लेती हैं और 2 से 3 दफ़ा की कुकिंग में यूज़ करती हैं। मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आप अदरक और लहसुन का पेस्ट ताज़ा बना के यूज़ करेंगे तो उसकी एक अपनी खुशबू आएगी और उस खुशबू से आपके खाने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो अब मैं इसको 1 से 2 मिनट जो है अदरक लहसुन के साथ ही मैं फ्राई कर लेता हूँ चिकन को और फिर बाकी प्रोसेस आपको बताते हैं। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है वो प्याज और अदरक और लहसुन के साथ बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। माशाल्लाह उसकी बहुत प्यारी लुक आ रही है। और इस स्टेज पे जो है मैं जो अपने मसाला जात हैं उनमें से सिर्फ सुर्ख मिर्च मैं ऐड करूँगा और बाकी मैं नहीं डालूँगा। और उसको मैं 10 से 15 सेकेंड के लिए चिकन, प्याज और अदरक और लहसुन के साथ पका लूँगा। ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए ताकि हमारी सुरख मिर्च जो है वो थोड़ी सी पक जाए चिकन के साथ। और इसके साथ ही मैं अपने टमाटर डाल लूँगा। बाकी मसाले मैंने अभी इसमें इसलिए नहीं डाले कि उनको टमाटर जब हो जाएंगे उसके बाद डालूँगा कि मसाले जले ना। व्यूअर्स, इस स्टेज पे जो है मैं अपने बाकी मसाले भी इसके अंदर डाल दूंगा और उसके बाद थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करके और मैं इनको टमाटरों को गलाने के लिए जो है मैं इसको दम दे दूंगा 4 से 5 मिनट के लिए। तो अब इस स्टेज पे मैं जो है इसके अंदर पानी भी ऐड कर लेता हूँ। व्यूअर्स, मसाले मैंने भून लिए हैं चिकन के साथ, अब मैं तकरीबन आधा कप पानी इसके अंदर डाल के और इसको मैं दम दे दूंगा। टमाटर और चिकन दोनों ताके हमारा गल गया, अब मैंने इसके ऊपर दम दे दिए और 4 से 5 मिनट में अब इसको दम दूंगा।
बिकॉज 5 से 6 मिनट दम देने के बाद मेरा गोश्त और टमाटर तकरीबन गल गए और पानी भी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगा और भूनने के बाद फिर अगला चावल वाला जो पुलाव वाला जो बॉक्स है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो चले आए इसको अब भूनते हैं। व्यूअर्स, मेरा जो मसाला है वो बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करने लगा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, तो 2 गिलास चावल के लिए मैंने 4 गिलास मैयर करके डाल लिए थे और वो मैं 4 गिलास पानी अब इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ। चार ग्लास पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए और इसको मैं अब कवर कर दूंगा 1 टाइम बॉयल आने तक। जब 1 टाइम बॉयल आ जाएगा उस स्टेज पे मैं इसका नमक भी चेक कर लूंगा और उसके साथ ही मैं फिर अपने चावल भी इसके अंदर ऐड कर लूंगा। तो मैं इसको अब कवर कर रहा हूँ 1 टाइम बॉयल आने तक। तो आए मिलते हैं 1 टाइम बॉयल आने के बाद। व्यूअर्स, पानी में 1 टाइम बॉयल आ गया। इस स्टेज पे मैंने नमक भी चखा था जो कि मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने 1/2 टीस्पून मैंने नमक इसमें और ऐड किया है। और इस स्टेज पे मैंने जो पानी चावल अपने तैयार करके रखे हुए थे पानी में भिगो के वो मैं अब डाल रहा हूँ। चावल डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से हिला लूंगा और साथ ही जो मेरे डिब्बे के अंदर थोड़े से चावल बच गए हैं वो भी मैं निकाल लूंगा। वो मैंने चावल इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। चावल मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं और अब मैं इसको व्यूअर्स, चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगा ताकि चावल हमारे अच्छे तरीके से गल जाए और जब पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर दम भी दूंगा और बाकी आपको प्रोसेस भी बताऊंगा। तो अब पानी खुश्क होने तक का वेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस वक्त पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है और दम देने से पहले मैं इसके ऊपर 2 सब्ज़ मिर्चें रख रहा हूँ कटी हुई बीच में से, इससे हमारी खुशबू अच्छी आएगी। और साथ ही थोड़ा सा मैं पुदीना ऊपर रख रहा हूँ, इससे खुशबू अच्छी आएगी। और मैं अब इसके ऊपर दम देने लगा हूँ और दम दे के 15 मिनट में वेट करूँगा। दम मैंने दे दिए और मैं अब इसका 15 मिनट के लिए वेट करूंगा। व्यूअर्स, हमारे 15 मिनट पूरे हो गए हैं दम दिए हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको इसको अच्छे तरीके से डिश आउट करके दिखाता हूँ। चावल में आप ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे तैयार हो गए और बहुत ही अच्छी चिकन पुलाव की खुशबू भी आ रही है इसके साथ ही। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा चिकन पुलाव रेडी हो चुका है, साथ मैंने सलाद बना ली है, पुदीने की चटनी बना ली है। बहुत मज़ा आएगा इसको खा के। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को देखें, उसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।